कुत्तों को बंडा बोला होता है। नमस्कार माधवी भाभी, कैसा है बड़ा? सुनो बेटा, कैसे हो? बीड़े सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ, बंडिया ने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, अरे मेरा बंडिया तो है ही, कभी किसी को तंग। Vaseline stops dryness from coming back. Vaseline once a day keeps dryness away. नहीं नहीं, उधर कुछ नहीं, इतना ही है। इतना ही? भीड़े पता क्या हुआ मेरे बंडिया को? कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है गोखले। क्या हुआ? मेरे बंडिया का एक्सीडेंट? नहीं नहीं गोखले, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन गैरेज वाले ने बोला कि 3 दिन लगेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार तुमसे पूछ लूं। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे बंडे का एक्सीडेंट कर दिया। मैंने तुझे बोला था ये मेरे घर का सदस्य है, उसके बाद भी तूने मेरे बंडे का ख्याल नहीं रखा। अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया गोखले, बंडे की कंडीशन ठीक नहीं थी, मतलब अजीब अजीब आवाज आ रही थी, हैंडल भी ठीक नहीं था और ब्रेक तो लग ही नहीं रहा था। मेरे बंडे को कुछ मत बोल, तुझे चलाना नहीं आता ऐसे बोल। गोखले मैं सच कह रहा हूँ, इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, अरे इसीलिए। मेरे बंडिया का दोष मत दे, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो नया स्कूटर खरीदना। क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? नया स्कूटर खरीदने के बाद जितने चाहे एक्सीडेंट कर। क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? नया स्कूटर खरीदने के बाद जितने चाहे एक्सीडेंट कर। क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? नया स्कूटर खरीदने के बाद जितने चाहे एक्सीडेंट कर। क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? सॉरी सॉरी गोखले यार, मेरी वेरी सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे बंडे को ना एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में वापस कर दूंगा। लेकिन बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, अभी से बेच दे। मेरा बंडिया बिकाऊ नहीं है, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। चल बंडिया तुम घर चल दे। एक मिनट गोखले, सॉरी। मेरी बात मान प्लीज, मैं इसे रिपेयर करवा के दे दूंगा। मेरे बंडिया का इलाज मैं खुद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है कोई बात, लेकिन फिर तुम्हें तुम्हें ये पैसे रख लो। गोखले बाबूजी प्लीज प्लीज, तुम्हें बंडे की कसम ना मत बोलना। ना मत बोल प्लीज, सॉरी आई एम सॉरी। चल बंडिया हम घर चलते। सॉरी आगे से मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चल बंडिया। मुझे माफ कर दे बंडिया, अब से मैं तुझे किसी को नहीं भेजूंगा। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैंने आपको बोला था ना गोखले का स्कूटर। दूध उठा, ठंडा दूध। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है माधवी, तुम्हें थोड़ी मालूम था ऐसा कुछ होगा, मेरा नसीब ही ऐसा, जाने दो चल। माधवी चलो। अच्छा। इसको चलाता रहा और दूध उठा, ऐसे नहीं कर सकता।
करना पड़ेगा। नहीं कर सकता, मेरे काम है इतना कर्म भाई, इतना कर्म ना बनाया करो, फिर इतना कर्म देना होता ना बनाया करो, इतना कर्म। हम फ्री बैठे, पापा भी फ्री बैठे, दोनों जुटे हैं। दो मिनट लगेंगे, दो मिनट के बाद अपने आप उठाइए तो मैं फोन खींच लेना। पूरी 10 बजे लाइट बंद हो जाएगी। खुद का स्कूटर ना होने की वजह से इनको कितनी परेशानी, कितना अपमान सहना पड़ा। नहीं, कुछ भी हो जाए इनके लिए मुझे नया स्कूटर लेना ही होगा। चलो सोते। अहो 12 बजे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओहो हैप्पी एनिवर्सरी माधवी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन सेलिब्रेशंस, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कांग्रेचुलेशंस ऑन सेलिब्रेशंस, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे मुझे तो लगा तुम सो गए। नहीं, मुझे आप दोनों को सबसे पहले विश करना था। ओहो आई कर्जल, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। ओहो थैंक यू थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। Congratulations on your special day with love, Sonu. Yeah, what's